गुड मॉर्निंग गाइस, इंद्रलोक के हमारे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। इंद्रलोक मार्केट थर्सडे को लगती है, जो मेट्रो स्टेशन है वो भी सामने देखिए आप, इंद्रलोक का ही है। यहाँ पे आज आपको इतना अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा ना कि साड़ियाँ इतनी सस्ती सस्ती थी, शॉल सूट हर चीज बहुत सस्ती थी। आज की वीडियो में ना एक फेस्टिव कलेक्शन रहेगा और एक विंटर कलेक्शन रहेगा, दोनों ही देख के आप बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। अगर आपको शॉल वगैरह चाहिए वो भी हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके के शॉल मिल रहे हैं, जीन्स मिल रही, सूट मिल रहे हैं, मतलब हर एक वैरायटी आपको ना इंद्रलोक में देखने को मिल जाएगी। जब बात हो रही है वैरायटी की, तो साथ साथ में आप लोग ये भी जानना चाहते हो कौन सी चीज कितने प्राइस पे, तो जो सामने वाले सुंदर सी पैकिंग में सूट आपको नजर आ रहे हैं वो उनके प्राइस उतने ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सिर्फ 250 रुपीस में आपको फैंसी सूट मिल जाते हैं। इनका कपड़ा काफी अच्छा होता है, पैकिंग बढ़िया होती है। बट मैं आप लोगों को एक सजेशन जरूर दूंगी, जब भी आप किसी भी सस्ती मार्केट से शॉपिंग करो तो सामान को अच्छे से चेक करके ले। फुटवेयर देखे कितने सारे, वो भी हील में है। 200 रुपीस की रेंज में आपको वेजेस हील के काफी अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कलर इसमें व्हाइट और ब्लैक ही था, तो आप अपने हिसाब से, अपने पैर के हिसाब से यहाँ से चीज़ें ले सकते हो। गेट नंबर 5 के जस्ट बाहर ही, जो इंद्रलोक के मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर है ना, एग्जिट वाला, उसके बाहर ही ये भैया खड़े थे। 50-50 रुपीज़ में बंडल दे रहे थे, वो भी लेसेस का। तो अगर आपका बुटीक है या आपका कोई प्लेन सूट है जिसको आपको लेस के साथ डेकोरेट करना है या फैंसी बनाना है, तो आप इस तरीके के ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए शॉल बढ़िया क्वालिटी के, तो 450 की रेंज से यहाँ पे शॉल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। 500-600 तक के भी शॉल थे, साथ ही में विंटर के सूट भी बहुत बढ़िया थे। ये वाले जो सूट थे ना वो शॉल के साथ आएंगे, स्टॉल नहीं, शॉल। शॉल के साथ ही इनका जो प्राइस पड़ेगा वो 650 पड़ेगा। कपड़ा बहुत अच्छा था और ये येल्लो कलर वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको इस तरीके के ना विंटर का जो स्टफ रहता है, विंटर के जो सूट रहते हैं या विंटर से रिलेटेड आपको कुछ भी आइटम चाहिए ना, इंद्रलोक मार्केट में आ चुका है। दोबारा बता देती हूँ, इंद्रलोक मार्केट सिर्फ थर्सडे को लगती है, उसके लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा। 10-10:30 बजे तक आप पहुँच जाइए। साड़ियों के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको 1000 रुपये की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। साड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी, पल्लू बहुत बढ़िया था और हैवी लुक में आपको साड़ियाँ मिलने वाली है। ऐसी नहीं है कि सस्ती सी साड़ियाँ हैं, दिखने में भी सस्ती हैं, बस प्राइस सस्ता है। लुक इनका बहुत हैवी आएगा, ग्रेसी लुक आएगा, आपको चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। अगर घर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको चाहिए, चाहे वो बेड शीट हो, पिल्लो कवर हो, क्रॉकरी आइटम हो, सब आपको मिल जाएगा। 150 रुपीज़ में यहाँ पे बेड शीट मिलना स्टार्ट हो जाती है। 250 रुपीज़ तक आपको डबल बेड की पूरी प्रॉपर पिल्लो कवर के साथ बेडशीट मिल जाएगी। बहुत सारे प्रिंट होते हैं, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, फ्लावर प्रिंट चाहिए है या फिर आपको कुछ डायनेमिक प्रिंट चाहिए, आप अपने हिसाब से चीज़ें ले सकते हो। सिर्फ वीडियो में इतनी सारी चीज़ें दिखाने का यही मोटो है कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर अगर इंद्रलोक आते हो, वहाँ से शॉपिंग करने का सोचते हो, तो आपको किस तरीके से क्या चीज़ें मिलेंगी। अगर आपका खुद का बुटीक है, सिलाई कढ़ाई आप कर लेते हो, गले वाले आपको चाहिए सूटों पे लगाने के लिए, तो वो प्रॉब्लम भी इंद्रलोक मार्केट में आके आपकी सॉल्व हो जाती है। 20 रुपीज़, सिर्फ 20 रुपये में आपको गले मिल जाते हैं। और देखिए आप पैकेट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, स्क्वायर वाला अलग है जिसमें पूरे स्क्वायर है, राउंड वाले में पूरे राउंड है, तो आप इस तरीके के डिज़ाइन मिल जाएंगे। बुकरम जो पोंचों में लगती है ना, वो पुक्रम का जो आपको रोल मिलेगा वो 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। और मंगलसूत्र वगैरह अगर आप पहनते हो और इस तरीके के डिज़ाइन प्रेफर करते हो, तो 250 वाली चीज़ आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ में मिल जाएगी। इनके पास आइटम तो बहुत सारे होते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से हर चीज़ खरीद सकते हो। फेस्टिवल सीज़न तो नहीं बट वेडिंग सीज़न ज़रूर अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर किसी के घर में शादी आ रही है, आपको पायल चाहिए, झुमके चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए, हर चीज़ मिलेगी। साथ ही में अगर आपको गाउन्स वगैरह पहनने हैं किसी की शादी में, चाहे वो आपकी कज़न हो या फिर आपकी कोई फ्रेंड हो, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 1500 रुपये की रेंज में शॉप नंबर 34 इंद्रलोक मार्केट में पड़ती है। आप किसी से भी पूछ लेना, आराम से आपको बता देंगे। 1500-1600 रुपये की रेंज में बहुत ही सुंदर गाउन आपको इंद्रलोक मार्केट में मिल जाएंगे। बहुत सारी शॉप ऐसी है जहाँ पर आपको एथनिक वेयर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो भी बहुत सस्ता। छोटे मस्जिद वाली गली या डिस्पेंसरी वाली गली को आप कवर कर सकते हो, जिसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है एथनिक वेयर का, जिसमें आपको सूट, साड़ियाँ, लहंगे और गाउन मिल जाएंगे। गाउन तो यहाँ पे बहुत अच्छे रहते हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। सबसे मेन चीज़ होते हैं जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं,
वहाँ की चीज़ की क्वालिटी कैसी है और वो कितने प्राइस पे मिल रही है। तो यहाँ पे चीज़ें सस्ती होती है। जैसा कि अभी सर्दी आएंगी तो जो हमारी नॉर्मल बेडशीट होती है वो पैक हो जाती है, और जो पतले वाली गर्म रहती है ना जो बेडशीट, वो निकल जाती है। तो अगर आपको भी बेडशीट या फिर क्विल्ट चाहिए 250 रुपीज़ में आपको वो मिल जाएंगे। सामने वाले जो आपको कंबल चाहिए है ना, पूरे कंफर्टर कंबल थे, वो आपको 1400 रुपये में डबल बेड का मिल जाएगा। इनको आप एज ए क्विल्ट भी ओढ़ सकते हो या फिर आप एज ए बेडशीट भी यूज़ कर सकते हो। 250 रुपीज़ इनका प्राइस रहेगा, बट इनके साथ पिल्लो कवर नहीं आएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि जैसा प्राइस होता है वैसे ही चीज़ें आती हैं। तो 250 रुपीज़ की रेंज में मुझे ये काफ़ी सही लगे। कंबल भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, कंबल में डिज़ाइन भी बहुत सारे थे, वैरायटी भी बहुत सारी थी। तो अगर किसी के घर में कंबल कम पड़ रहे हैं या फिर आपको दूसरे कंबल की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप यहाँ से कंबल भी ले सकते हो। साथ ही में विंटर के कपड़े भी काफ़ी अच्छे आए हुए थे, ड्रेसेस वगैरह आपको बहुत सही मिल जाएंगे 150 रुपीज़ की रेंज में। आपको इस तरीके के विंटर के टॉप, कार्डिगन, शर्ट वगैरह देखने को मिलेंगी। ओवरऑल आपको हर एक चीज़ इंद्रलोक मार्केट में मिल जाती है। तो जो भी नियर के एरियाज़ है ना इंद्रलोक के आसपास के, वो सब यहीं से शॉपिंग करते हैं। और इंद्रलोक से थोड़ा सा आगे पड़ता है सीलमपुर, सीलमपुर भी थर्सडे वाले दिन लगता है, तो आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो। दोनों ही सस्ती मार्केट है, दोनों में ही आपको पूरी की पूरी हर एक वो कैटेगरी मिल जाएगी जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपके घर में यूज़ होती है। साथ ही में अगर आपको विंटर से रिलेटेड कुर्ती वगैरह चाहिए तो ये पूरा का पूरा सेट आपको 450 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। इसमें भी आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप अगर आपको प्लस साइज आता है तो आई डोंट सजेस्ट कि आपको ये सब चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि फिटिंग का थोड़ा इशू रहता है। अगर आप नॉर्मल साइज आपको आते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। कपड़ा काफ़ी सही था, क्वालिटी बहुत सही थी, प्राइस रेंज काफ़ी सही थी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती मिलती है, बट जो भी चीज़ आप लो हमेशा उसको चेक करके लेना, कहीं से कटा तो नहीं है, किसी पे कोई स्टेन तो नहीं लगा, दाग धब्बों का थोड़ा सा ध्यान रखना। शूज़ वगैरह नहीं है या फिर आपको शूज़ डोनेट करने हैं बट आपका बजट कम है तो आप ये 100 रुपये वाले ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसी तरीके के फ्लिपकार्ट पे आपको 400 रुपीज़ के शूज़ मिलेंगे, वही सेम क्वालिटी, वही सेम प्रोडक्ट आपको इंद्रलोक मार्केट में सिर्फ 100 रुपये में मिल रहा है। आप देखिए भीड़, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ढेर में पड़े रहते हैं, ये बॉक्स से निकाल के ढेर में डालते हैं ताकि लोगों को साइज़ उनका मिल जाए या फिर उनको जो कलर पसंद आ रहा वो आराम से उठा सके। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको जगह जगह मिल जाएंगे और काफ़ी सही थे, बहुत सारे लोग प्रेफर भी करते हैं और लेते भी हैं। कार्डिगन्स वगैरह भी आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि अभी ना विंटर स्टार्ट हुए हैं, तो सबको होता है कि विंटर स्टार्ट हो गए तो हम अपनी विंटर की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दें। तो बहुत सारे लोग ना अभी कार्डिगन्स की शॉपिंग कर रहे हैं। अगर आपको भी कार्डिगन्स वगैरह चाहिए तो 450 रुपीज़ की रेंज में इंद्रलोक मार्केट में आपको कार्डिगन्स भी मिल जाएंगी। उसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है कार्डिगन्स की, चाहे वो फुल स्लीव्स में हो, हाफ स्लीव्स में हो, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फेदर टच के साथ कार्डिगन आने वाली है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट कपड़ा था। तो सारी चीज़ें अगर आपने देखा होगा वीडियो की स्टार्टिंग से लेके और अभी तक, कितनी सारी चीज़ें थी जो डेली यूज़ में आती हैं, जिनकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, और वही सेम चीज़ जब हम शॉप पे लेने जाते हैं बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी, ज़रूरी नहीं है इंद्रलोक मार्केट, कोई भी सस्ती मार्केट लगती है तो आप ज़रूर एक बार उसको एक्सप्लोर करें, देखें कैसी चीज़ मिल रही है, क्वालिटी कैसे मिल रही है, और वहाँ से शॉपिंग करें। बाकी मेरा तो रहता है कि दिल्ली NCR में जितनी भी सस्ती मार्केट्स रहती है मैं उन सबको आप तक पहुँचाऊँ, सारे ऑप्शंस दिखाऊँ। साथ ही मैं विंटर के सूट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। जो ये वाले सूट थे ना ये 450 रुपीज़ के थे, स्टार्टिंग वाले 650 रुपीज़ के थे। इनमें शॉल नहीं था, इनमें स्टॉल था, और जो इनका जो कपड़ा था ना वो भी काफ़ी सही था। तो अगर आपका बजट नहीं है 650 का, आपका थोड़े कम में चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन ट्राई करो। इसमें भी येल्लो कलर बहुत सुंदर था, और पुराने वाला जो 650 का मैंने आपको कलेक्शन दिखाया था उसमें भी येल्लो कलर बहुत अच्छा था। तो अपना कलर भी ऐसे चूज़ करना जो सिलने के बाद एक रिच लुक दे, ताकि कोई सोच के भी ये ना सोच पाए कि ये 450 रुपीज़ का है या 500 रुपये का पीस है। कई बार क्या होता है ना, सस्ती चीज़ें सिलने के बाद बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत बढ़िया लुक देती है। तो आप हमेशा ऐसे डिज़ाइन पिक करो जो सिलने के बाद आपके ऊपर अच्छे लगे, सामने वाले को अट्रैक्ट करे और आपसे पूछे कि भाई आपका सूट बहुत बढ़िया लग रहा है, कहाँ से लिया। वो भी सिर्फ 450 रुपये में आज के टाइम पे कुछ नहीं आता। आप किसी भी शॉप पे जाके देखना, ट्राई करना। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि 500-1000 रुपये ऐसे ही लग जाते हैं, इसीलिए सस्ती मार्क हम लोग आपके लिए कवर करते, ताकि आपके पैसे बचे, आपको चीज़ें पसंद आए,
आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक पूरी वीडियो देख ली है और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब देखते हैं जो ये थान आपके सामने थे, इनका क्या प्राइस था। सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये मीटर। नॉर्मली आप किसी भी शॉप पे जाना, किसी भी सिटी में चले जाना, जितने कपड़े होते हैं ना, कोई 150 रुपये मीटर, कोई 100 रुपये मीटर, कोई 200 रुपये मीटर, ऐसे मिलते हैं। और जब भी आप किसी सस्ती मार्केट में जाओगे ना, जो थान के कपड़े होते हैं वो 50 रुपये मीटर, 60 रुपये मीटर ऐसे मिलते हैं। और जो प्रिंट होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि आपकी शॉप पे भी नहीं मिलेंगे। तो हमेशा ट्राई करना, चाहे आप 1 महीने में, 2 महीने में, 1 दिन स्पेयर करो अपने लिए और सस्ती शॉपिंग करो, जिससे आपके 3-4 महीने का जो बजट होता है ना, हिला होता है, वो कंट्रोल में भी आ जाता है, अच्छी शॉपिंग भी हो जाती है, घर की चीज़ें भी जुड़ जाती है। तो इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ सस्ती मिलती है। ब्लाउज़ वगैरह आपको चाहिए 150 रुपीज़, सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको सिले सिलाए पैडेड ब्लाउज़ मिल जाएंगे। ना कपड़ा लेने का झंझट, ना सिलवाने का झंझट, ना सिलाई का। आजकल सिलाई इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, अगर पैडेड ब्लाउज सिलवाते हो तो 1000 रुपये ले लेता है टेलर, और नॉर्मल अगर ब्लाउज सिलवाते हो तो 650-700 रुपये ले लेता है। तो अगर आपको कुछ भी रेडीमेड मिलता है और अच्छा मिलता है और सही मिलता है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार पता नहीं होता क्या चीज़ कब यूज़ में आ जाती है। अगर आपको जेंट्स कार्डिगन्स भी चाहिए ना, तो वो भी ऑप्शन थे यहाँ पे। 300 रुपीज़ की रेंज में फैंसी कार्डिगन्स थे। शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ में आ जाती है। प्रिंट बहुत बढ़िया थे, और यही सेम कार्डिगन आप फ्लिपकार्ट पे ट्राई करना, आपको कितनी महंगी मिलेगी आप ज़रा एक बार ट्राई करके देखना, 600-700 रुपये से कम नहीं होगी। और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे 250-300 रुपये में मिल जाती है। क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया होती है, और क्वालिटी 250 रुपये में आप क्या सोचते हो, एटलीस्ट 3-4 बार तो पहन ही सकते हो। और जब 250 की चीज़ 3-4 बार पहनी जाती है ना, तो मन को अपने आप ही इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि चलो कोई बात नहीं यार, 3-4 बार हमने पहन ली, फ़ोटो खिंचवा लिया, और मतलब हमने उस चीज़ को यूज़ में ले लिया। तो यही फ़ायदा होता है सस्ती चीज़ें लेने का, क्योंकि जब आप इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसे लगाते हो ना, ये ज़्यादा यूज़ में तो आती नहीं है, क्योंकि आप एक कार्डिगन को कितनी शादियों में पहन के जाओगे। तो हमेशा ट्राई करें कि कुछ बजट फ्रेंडली चीज़ें लें, जिसमें आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, आपको लुक भी स्मार्ट मिल जाए और वो चीज़ यूज़ में भी आ जाए। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। मार्केट में शॉल्स की इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, इतने हैवी लुक में शॉल मिल रहे थे कि देख के मन खुश हो गया। कलर इतने बढ़िया थे, 450 रुपीज़। आप सोचोगे 450 रुपये में इतना हैवी लुक का आपको शॉल मिल रहा है, और कलर्स इतने ज़्यादा अवेलेबल थे। अभी शादियों में क्या होता है ना, कि जब शादियाँ हो रही होती हैं तो शॉल वगैरह भी चाहिए होता है। दिसंबर जैन में तो बहुत ठंड पड़ती है, तो अगर आपके पास फैंसी शॉल नहीं है और अफोर्डेबल शॉल चाहिए, तो वो प्रॉब्लम भी आपके इंद्रलोक में आके सॉल्व हो जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इंद्रलोक मार्केट में चोरियाँ बहुत होती है, भीड़ भाड़ बहुत रहती है, तो हमेशा पॉकेट फ़ोन का ज़रूर ध्यान रखे, कैश को संभाल के रखे। 60 रुपये मीटर में इतने अच्छे ऑप्शन आपको थान के मिल जाएंगे। कलर इतने सारे होते हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे कौन सा थान छोड़ूँ, कौन सा लूँ, क्योंकि ऑप्शन इतने बढ़िया होते हैं। और हम जब भी जाते हैं ना, हम सोच लेते हैं यार 2-3 थान में से कपड़े ले लेते हैं और सूट वगैरह सिल जाएंगे, काम आ जाएंगे, और इस तरीके की चीज़ें काम भी आ जाती है। कुर्ती वगैरह आपको बनवानी है, कुर्ती बनवा सकती हो, पूरा का पूरा सूट बनवा सकती हो, वो भी 60 रुपये मीटर में। तो इसलिए ये लोग इस तरीके से डिस्प्ले पे लगाते हैं, ताकि वो आपको अट्रैक्ट करें, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर दिखें, इसीलिए सारी चीज़ें नीचे। नहीं तो ये क्या कर सकते हैं, फोल्ड करके भी रख सकते हैं, बट ये लोग फोल्ड करके नहीं रखते हैं, उसका भी एक अपना ही रीज़न है। तो आप जब भी आप जाओगे ना, आपको चीज़ें इसी तरीके से मिलेंगे। तो आप ये मत सोचना इनकी क्वालिटी बेकार होगी या पता नहीं कैसे कपड़े होंगे। हमेशा ना किसी भी सस्ती मार्केट को जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे ना, चीज़ें आपको ऐसे ही मिलेंगी। 250 रुपीज़ की रेंज में बच्चों की जीन्स भी थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें घर की ही है या फिर आपको बड़ों के ही कपड़े मिल रहे, बच्चों के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जगह जगह पे होते हैं, बट सारी चीज़ें रोड साइड पे ही होती है। तो आप ये मत सोचना कि पता नहीं इनकी क्वालिटी कैसी। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप मार्केट जाओगे ना, आपको सारी चीज़ें तरपालों के ऊपर ही मिलेंगी, कोई भी शॉप के अंदर नहीं होगी या कोई भी किसी स्टैंड के ऊपर नहीं होगी, सब ऐसे ही ज़मीन में होंगी, आपको झुक झुक के सामान को निकालना पड़ेगा। 50 रुपीज़ में सिंगल दुपट्टा मिल जाता है। दुपट्टों की जो क्वालिटी थी वो ओके थी, इतनी रिच क्वालिटी नहीं थी। हाँ, बट ये था
कि आप ना ले सकते हो यूज में, घर पे यूज कर सकते हो इनको। 50 रुपए में आप क्या इमेजिन करते हो कि क्या आएगा, बट 50 रुपए के हिसाब से काफी सही थी। ड्राई फ्रूट वगैरह आपको मिल जाएंगे, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश कुछ भी चाहिए है। मखाना आपको 100 रुपए पाव मिल जाएगा, मखाने की भी क्वालिटी काफी सही थी। 250 रुपए वाला नारियल आपको 200 रुपए में मिल जाएगा। तो गोले वगैरह के भी काफी अच्छे आइटम थे, बादाम, अखरोट आपके सामने है। तो इस तरीके से ही आपको तोल तोल के देंगे। नॉर्मल बाजार से इनके प्राइस काफी ज्यादा सही होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। तो अगर आपके घर में भी ड्राई फ्रूट खत्म हो गए हैं, या फिर आपको गोंद के लड्डू डालने हैं, या फिर बेसन के लड्डू डालें जिसमें आपको ड्राई फ्रूट यूज करने हैं, और ड्राई फ्रूट घर में नहीं है, तो आप यहां से ड्राई फ्रूट की भी शॉपिंग कर सकते हो। ओवरऑल आपको इंद्रलोक मार्केट में सारी चीजें मिल जाएंगी। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।